सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। सब रोज घूमने जाएंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा बड़ी भाभी। मैं रास्ते में ही छोटी भाभी को अपनी हौस की कहानी भी सुना दूंगा। आप सुनेंगी ना छोटी भाभी? जितना बुरा आदमी आप मुझे समझती उतना मैं हूँ नहीं भाई। हम लोग बाहर जा रहे हैं, कम ऑन लेट्स गो। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? पिक्चर देखने जा रहे हैं। पिक्चर देखने? इसका मतलब कुछ दिनों में इस घर से सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। वर्मा कम्युनिकेशंस का कोटेशन सबसे कम है, लेकिन उनकी क्वालिटी हमेशा से सस्पेक्ट रही। जो अपने दावत को एक सामाजिक स्तर पर से ज्यादा कुछ नहीं समझ। सीमा, तूने मुझे बुलाया था? हाँ दीदी, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि आपके चेहरे पे कुछ और है और दिल में कुछ और। मैं कुछ समझी नहीं। खाओ मेरी कसम और सच सच बताओ कि आज यहाँ तुम अपने मन से आई हो या किसी और के कहने से? सीमा, ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है तू? दीदी, मैं पागलों जैसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ। बताइए ना, बात क्या है? तू मुझे अच्छी तरह जानती है ना, तो फिर मुझ पे विश्वास कर, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी, फिर इतनी परेशान क्यों हो तुम, मुझे बताओ प्लीज। सीमा, दरअसल उन्होंने इतनी प्यार से अपने सारे सपने, अपनी सारी खुशियां, अपना सारा प्यार मुझे सौंप दिया। मुझे बहुत डर लगता है सीमा, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। जो सपना उन्होंने मुझे सौंपा है, पता नहीं मैं उस सपने को पूरा कर पाऊंगी या नहीं। सपनों का तो कोई अंत नहीं दीदी। और तुम क्यों घबराती हो? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। कभी भी घबराहट हो तो मुझे बुला लेना, मैं ऐसे करके आपके पास आ जाऊंगा। और अपनी दीदी की खुशियों के लिए, उनके सपनों के लिए मैं इस दुनिया से लड़ जाऊंगी। इतना प्यार करती है तो अपनी दीदी से? कोई शक? कहो तो तुम्हारे प्यार में छत से कूद के दिखा दूं दीदी। एक पगली। इतना डर गया, इतना घबरा गया। और नहीं तो क्या, ऐसी बातें करेगी तो डर लगेगा ही ना। तो चलो दोनों साथ साथ कूदते चलो। नीता। अरे पापा आ गए। अरे दीदी, वो कूदने का, दीदी दीदी रुको, अभी बताती हूँ। अनीता बेटी, अरे अरे अरे, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक पापा, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। और तेरे घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। वेरी गुड। लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ। अरे पापा, तूने तो डरा ही दिया था। क्यों भाई, तुझे क्या हो गया? तू तो ठीक लग रही है। मुझे है ना प्यार हो गया। प्यार? प्यार? ये तुम्हें कब हो गया भाई? अब क्या बताऊं, ये बहुत पुराना है। मैंने कई बार सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मगर
हिम्मत नहीं हुई। आज बहुत हिम्मत करके मैं कन्फेस कर रही हूँ कि मुझे प्यार हो गया है। अरे रे 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 रे। तब तो तुम्हारी जल्दी से शादी करनी पड़ेगी। बेवकूफ को संभाल के रखा है, इसकी शादी होगी, अकेलापन महसूस कर रही हो, इसके लिए नाटक मत। अच्छा अच्छा अरे भाई बैठो बैठो बैठो, बहुत शैतान हो गई है तू वैसे। हां बैठो। अरे ये सब क्या है? ये केयरफुल केयरफुल केयरफुल, ये मिठाई है। ये शादी के बाद बिटिया पहली बार घर आई है तो विदाई के तौर पे कुछ भेजना पड़ता है ना, तो मैंने सोचा मैं मिठाई ले आऊं। और न्योते के तौर पे डिसाइड किया है कि 101 रुपया दिया जाएगा, ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? पापा पापा आप कब से इतने कंजूस हो गए? जब से मेरी बिटिया घर से दूर गई है। तो भाई बेटी घर आई है, इसकी कोई खातिर की, कुछ खाने पीने के लिए पूछा कि नहीं? आप आए हैं ना, आप ही कीजिए इसकी खातिर। हाँ? चलो ठीक है, हम ही पूछ लेते हैं। क्यों भाई मेरी बिटिया, तुम क्या खाओगी? कुछ नहीं। क्यों? आप इतनी देर से क्यों आए? ओहो बेटा आज ऑफिस में टेंडर खोल रहे थे, मुझे इसलिए देर हो गई। पापा यशराज का टेंडर पास हो गया। टेंडर पास हो गया है? वैसे ही ऑफिस का मामला है ना, तो ऑफिस तक ही रहना चाहिए, घर पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता। हाँ जी सुनिए मैडम, कुछ चाय वाय का इंतजाम प्लीज। ओह यस श्योर, वन मोमेंट। थैंक यू। तो बेटा एक बात बताओ, यशराज क्यों नहीं आया? जी वो आने वाले थे लेकिन ऑफिस का कोई काम आ गया, वो नहीं आ पाए। दीदी कहो तो मैं फोन करके बुला लूं जीजू को। नहीं नहीं वो घर पे नहीं होंगे। हेलो, ये जरूर जीजू का ही फोन होगा। ओके, अगर अगर वो होंगे तो हेलो। हाँ जीजू मैं सीमा बोल रही हूँ। हाँ दीदी आपको फोन कर लेंगी। हाँ ओके बाय बाय। तेरी आंखों में सब कुछ पढ़ सकता हूं मैं, तू फिक्र मत कर। और क्या कहा उसने? कहने लगी कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ दीदी, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। बस उतने में मम्मी आ गई। मैंने कहा कि मैं मम्मी को बता दूं। जानती है क्या कहने लगी? क्या कहा उसने? कहने लगी कोई फायदा नहीं है, मम्मी अब बूढ़ी हो चुकी है। तुम्हारी बहन तो बहुत स्मार्ट है। अरे अच्छे अच्छों को बेवकूफ बना देती है, पता ही नहीं चलता। अच्छा नीता एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी डैडी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं दीदी। मैंने मम्मी से कह दिया है कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे एक बड़ी बहन मिल गई है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है, जिसने मेरे घर को मंदिर बना दिया है। भाभी भाभी भैया, भाभी भाभी। क्या बात है, ये बहुत खुश नजर आ रहा है, लगता है कहीं लॉटरी लग गई है, मैं देख कर आती हूँ। भाभी क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? आ रही हूँ। भाभी जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? जल्दी जल्दी। क्या हुआ? भाभी यस 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 स्टॉप इट यस स्टॉप इट। भाभी मेरी किस्मत की लॉटरी, मेरी लॉटरी लग गई भाभी, मेरी लॉटरी लग गई। यश ऐसा क्या हो गया, इतना प्यार क्यों आ रहा है? भाभी इतना प्यार इसलिए आ रहा है भाभी कि मेरी क्या दिल थाम के बैठी, मेरे आर्मी का टेंडर पास हो गया भाभी, मेरे का टेंडर पास हो गया। ओ भाभी ओ भाभी ओ माय गॉड, आज इतना खुश हूँ भाभी, मुझे सारी दुनिया का प्यार आ रहा है भाभी। मत कहना भाभी, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया मैं, आप देखना भाभी यशराज कंस्ट्रक्शंस, मैं इस कंपनी को कहां से कहां ले जाऊंगा। ज़बा टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भाभी भैया कहां है? भैया 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 ओके भैया कहीं में है आप? भैया अनीता कहां है? अनीता अपने कमरे में। आप भैया जब आएंगे भैया से निपटना, मैं अनीता से निपट के आता हूं। ओके बाय भाभी बाय बाय।
वेरी मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा नहीं था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं अपनी इस खुशी को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अब देखना अनीता, यशराज टेलीकम्युनिकेशंस आसमान की उस बुलंदियों को छुएगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। शेयर बाजार में सिर्फ हमारा बोलबाला होगा अनीता, सिर्फ हमारा बोलबाला। सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों पर निछावर कर लूंगा अनीता। कामयाबी की इस पूरी की पूरी रियासत की सिर्फ एक ही मलिका होगी, अनीता, मेरी अनीता। भैया भैया, यश यश, कांग्रेचुलेशंस माय ग्रेट ब्रदर, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाई, बहुत कम वक्त में तुमने इतनी तरक्की हासिल कर ली। भैया ये तो कुछ नहीं, आप देखते जाइए, आपका ये ग्रेट ग्रेट ब्रदर कामयाबी के सीन पे बैठ के अपने सपने कैसे पूरे करता है। बस 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 यश, कहीं सोने की लंका बनाने का रहता तो नहीं है? ओह क्या बात कर दिया आपने। और सोने की लंका तो अतीत है, यश वर्तमान है, प्रेजेंट है। अब देखिए यश आगे आगे क्या करता है, अपनी कंपनी को कहां से कहां लेके जाता है। यूं सबा तुम ठीक कह रहे हो यश, इंसान जब कामयाबी हासिल कर लेता है तो वो मजबूत बन जाता है। लेकिन मेरे भाई इतना मजबूत मत बनना कि तुम्हें अपनों की जरूरत महसूस ना हो। और कोई बात नहीं, मैं आपका इशारा समझ गया भैया, आपका इशारा अनीता की तरफ है ना। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन देख भैया, अनीता खुश है, लेकिन एक मामले में आपसे मैं हार गया हूं। ये जो शादी करके आपने अनीता जो मुझे गिफ्ट की बिलीव, लेकिन कोई बात नहीं, हारा तो आपके सामने, मेरे भैया के सामने नो प्रॉब्लम, लेकिन दुनिया के सामने मैं नहीं हार सकता। अब देखना मैं दुनिया को कैसे हराता हूं, एंड आई विल बी द विनर। रियली? फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। और क्या था, क्या था, कहां जा रहे हो भैया? साइड पे जा रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। कितनी रात गए भैया? यश के लिए काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, न दिन न रात, बाय बाय। अरे देखा बना गया। साड़ी कैसी लगी है नीलम? ये साड़ी तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, यकीनन। लेकिन नीलम ये गलत है, ये झूठी मैरिज एनिवर्सरी बनाकर अनीता को कब तक तुम झूठी तसल्लियां और खुशियां देती रहोगी? अनीता को खुश रखने के लिए मैं ऐसी झूठ मूठ की मैरिज एनिवर्सरीज और बर्थडे मनाती रहूंगी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन जरा सोचो, अनीता को जब सच्चाई पता चलेगी तो उस पर क्या गुजरेगी? वो आप वक्त पर छोड़ दीजिए, अगर उसे झूठी खुशियां देने से मुझे गुनाह मिलता है तो उसकी खुशियों के लिए ये गुनाह मुझे मंजूर है। बड़ी भाभी, छोटी भाभी आ रही हैं। अब बताइए आप मुझे मार्केट से क्या क्या लेके आना है। अरे डीटू चल, मैं भी तेरे साथ मार्केट चलता हूँ। आप मेरे साथ मार्केट जाएंगे? क्यों,
कोई खास बात है क्या जो आप आज मेरे साथ मार्केट चलने वाले हैं? अरे कुछ भी नहीं है यार, तू मार्केट जाने की तैयारी कर चल। ठीक है पागल आदमी। ये लो छोटी भाभी भी आ गई हैं। आओ अनीता, आपने मुझे बुलाया दीदी। हाँ तुम जानती हो आज क्या है? नहीं, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। वाओ कांग्रेचुलेशंस दीदी, कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू अनीता, आज हमने प्रोग्राम बनाया है और तुम्हें हमारे साथ जरूर चलना है। क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर चलूंगी। अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। एक ही साल में दो दो बार मैरिज एनिवर्सरी, बड़े भैया ये पैसे की बर्बादी है। एक ही साल में दो दो एनिवर्सरी? हाँ छोटी भाभी, अभी आपकी शादी के पहले ही तो इन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी ना। बहुत जुबान चलती है तेरी जीजू, चले गए यहाँ से। स्टॉप इट। अरे बेटा अनीता, इस बेवकूफ को खुश नहीं बनो। वो जो मैरिज एनिवर्सरी थी वो मेरे दोस्त की थी। आप दोनों मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप दोनों का प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। अनीता, इस घर में यश के बाद कौन है जिस पर अपना प्यार लुटा सके? तुम्हारे आने से हमारी सोई ममता जाग पड़ी, और खुशियों का क्या है, वो तो किसी ना किसी बहाने आती रहती है। क्यों? क्या समझते हैं अपने आप को? जब सबको छोड़ छाड़ के अपने गाँव वापस चला जाऊंगा ना, तब पता चलेगा। हाँ मैंने क्या गलत कह दिया था, एक साल में दो बार मैरिज एनिवर्सरी। जब दो शादी करना कानून अपराध है, तो बार मैरिज एनिवर्सरी करना अपराध नहीं है क्या? हाँ हम ही मुँह रखते। बाबू ने कहा था थोड़ा और पढ़ लो बेटा, अरे पढ़ लिया होता ना तो ऐसे ऐसे अपराधियों को जेल के अंदर कर देता। हाँ पर किस्मत में तो लिखा था प्याज काटना, तो जीतो बेटा काटो प्याज, काटो प्याज। टीटू, छोटी भाभी आप? तुम बड़े भैया से बहुत नाराज हो ना? हाँ बहुत नाराज हूँ, गलत कह रहे थे, बोल दिया तो मेरा कान पकड़ के खींचा। सच में बड़े भैया ने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन टीटू मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती ना, वो मुझसे बड़े हैं। आप कुछ मत बोलिए छोटी भाभी, छोटे भैया आते होंगे ना, मैं उनको सारी बात बताऊंगा, तब देखना आप। हाँ तुम्हारे बड़े भैया छोटे भैया से बहुत डरते हैं? नहीं छोटी भाभी, बड़े भैया से छोटे भैया डरते नहीं हैं, बहुत प्यार करते हैं छोटे भैया को। छोटे भैया जब बड़े भैया से कहेंगे ना, देखो बड़े भैया टीटो का कान पकड़ के मत खींचा करो प्लीज, तो फिर बड़े भैया मेरा कान पकड़ के कभी नहीं खींचेंगे। हाँ हाँ बड़े भैया इनकार नहीं कर सकते ना। हाँ लेकिन छोटी भाभी, छोटे भैया गए कहाँ हैं? पता नहीं। हाँ ये क्या कर रही हो छोटी भाभी आप? हाँ अरे जब आप नहीं थी तो मुझे सब पता रहता था कि छोटे भैया कितने बजे आने वाले हैं, कितने बजे खाना खाने वाले हैं, और कितने बजे सोने वाले हैं, और कितने बजे ऑफिस जाने वाले हैं। वो तो क्या है ना, जब से आप आई है ना तब से सब कुछ गड़बड़ हो गया है। लेकिन छोटी भाभी, छोटे भैया गए कहाँ? शायद साइड पे गए। We'll be right back.
कौन है? दीदी। ओ अनीता, तुम्हारा निशाना तो बिल्कुल सही निकला। और नहीं तो क्या, काय की बेटी जो हूँ। अच्छा बता, तुमने आज की न्यूज पढ़ी? नहीं, कुछ खास बात है? हाँ, बहुत खास बात है। बताइए ना। पहले तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। वादा? तुम्हें मुझसे ये वादा करना पड़ेगा कि मैं तुम्हें जहाँ लेकर जाऊंगी तुम वहाँ चलोगे और तुम बिल्कुल इनकार नहीं करोगे। लेकिन दीदी, न्यूज का चलने से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे वादा करूंगी। तो ठीक है, आज शाम को टाटा मेमोरियल में आनंद का शो है, ठीक है? हम आ चलेंगे। शाम को 6 बजे तैयार रहना, ठीक है? ओके, शाम को। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें।